ये क्या अलग चीज है इसमें? इसमें काजू किशमिश बादाम सब देकर के इसको बनाया गया है। अच्छा हाँ। ये स्पेशल है हाँ। इसका प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस है 30 रुपए। ये देखिए भाई कितना ज्यादा क्वांटिटी में जो है यहाँ पे भांग लगने वाला है। ये देखिए निचोड़ के यहाँ पे देखिए ग्लास में अभी डाला जा रहा है। ये देखिए भाई कितना यहाँ पे जो है डिमांड है इस भांग का। देखिए ये देखिए भाई किसका जाएगा दोनों को। ये देखिए भाई इतना बड़ा सा ग्लास है। अभी देखिए इसके अंदर डाल दिया गया भांग को। ये देखिए भाई जो ओनर है उनसे बात करते और पूछते कितना पुराना दुकान है और क्या क्या आइटम। ये देखिए शिव शक्ति शरबत शॉप बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पुराने कोलकाता एरिया में। कितना साल पुराना हो गया अंकल ये? 66 ईयर ये पुराना दुकान है। और यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलता है? यहाँ पर मिलेगा 3 किस्म का माल मिलेगा। 30 का लड्डू मिलेगा। अच्छा। और 25 का लड्डू मिलेगा। अच्छा। 20 का लड्डू मिलेगा। अच्छा। जिसमें घर ले जा सकते हैं उसका घर में बना सकते हैं। अच्छा। न भी हो तो ऐसे भी खा सकते हैं, मिठाई का तरह खा सकते हैं। अच्छा। हाँ। और एक बार और एक शरबत मिलेगा। हाँ। 100 का, 80 का और 60 का। अच्छा। वो उसको ठंडाई बढ़िया से। अच्छा। यहाँ पे ठंडाई भी मिलता है और भांग के गोली के साथ ही मिलेगा और प्लेन शरबत भी मिलता है जी। ये देख सकते हैं कितना सारा प्लेन शरबत भी यहाँ पे भेजा है। आपका एक बार दुकान का टाइमिंग बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए। हाँ, टाइमली आपको 9:30 बजे सवेरे ये खुलती है, मॉर्निंग में 4 बजे रेडी रहते हैं। अच्छा। 4:30 बजे खुलेगा और 9:30 बजे बंद हो जाएगा। रात को 9:30 बजे बंद हो जाता है। हाँ। सुबह 4 से लेके। हाँ। और आपका जो ये प्रॉपर एक बार लोकेशन बता दीजिए, कोई आना चाहेगा तो? आना चाहेगा तो और बीकेपाल मोड़ हुआ है, बीकेपाल मोड़। हाँ। बीकेपाल मोड़ पर आ जाएगा तो किसी से पूछ सकते हैं कि ये भांग का दुकान कहाँ है, पता। हाँ, तो बता दे एक बार। हाँ। जो गोली दिखाई है मुझे देख के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वो है और ये है। और ये देखिए दो तरह का है क्या? ये वाला सिल्वर प्लेटेड है और ये वाला है। ये देखिए सेम चीज ही है। हाँ। तो उसके ऊपर ये अलग से क्या दिया गया है? यहाँ पे इसमें काजू बादाम मसाला है। ये क्या अलग चीज है इसमें? इसमें काजू किशमिश बादाम सब दे करके इसको बनाया गया है। अच्छा। हाँ। ये स्पेशल है। हाँ। इसका प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस है 30 रुपए। ओनली 30 रुपीज का एक रहता है और उसका। हाँ। भी सेम ही है और 25 रुपए अगर है, 21 का है। अच्छा, मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। ज्यादा बड़ा है ये वाला थोड़ा? 12 टन नहीं, ऊपर। अच्छा, मसाला के ऊपर है। जितना ज्यादा क्वांटिटी इंग्रीडियंट रहेगा उसके अंदर उसके हिसाब से। तो फिलहाल ठीक है, तो फिलहाल मैं देखता हूँ इसका क्या प्रोसेसिंग है, बनाने का क्या है, मैं ट्राई करता हूँ फिलहाल। तो चलिए अंकल मेरे लिए लगा दीजिए, देखता हूँ कैसा है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है और भी तरीके के यहाँ पे शरबत मिलते हैं। सारे यहाँ पे स्क्वाशेस रखे गए, सिरप रखे गए, इससे ही बनाया जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल शरबत अगर पीना है शरबत वो भी मिलेगा यहाँ पे। और देखिए ठंडाई का ग्लास देखिए कितना बड़ा बड़ा यहीं पे सर्व किया जाता है। तो अंकल यहाँ पे लगा रहे हैं फिलहाल मेरे लिए एक। तो ये देखिए यहाँ पे लगने वाला है। ये अभी क्या लगने वाला है यहाँ पे? अच्छा, वो अच्छा ठीक है। अभी जो है ये ठंडाई भांग वाला ठंडाई वो बनने वाला है। ये देखिए भाई पहले ये ले लिया इसको। तो ये देखिए हमारे लगने वाला ये है भांग का ठंडाई। ये क्या चीज़ है अभी? ये आइसक्रीम आ रहा है। ये देखिए वनीला फ्लेवर का, ये पहले आइसक्रीम ले लिया गया, ये रेडी किया जा रहा है। ये देखिए भाई इसके ऊपर ये कौन सा फ्लेवर जा रहा है इसमें? इसमें ऑरेंज दिया है। ये ऑरेंज वाला है। ये भांग वाला बन रहा है या प्लेन वाला बन रहा है? प्लेन वाला। ये प्लेन वाला, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है ये प्लेन वाला। तो ये देखिए अभी क्या जा रहा है इसके ऊपर अंकल? मैंगो डाल रहा है। ये मैंगो गया इसके अंदर, देखिए इसके अंदर भी मैंगो सिरप गया। ये बन रहा है हमारा जो है नॉर्मल विदाउट भांग का, और ये वाला बनने वाला है हमारा भांग का। ये देखिए अच्छे तरीके से ये आ रहा है ठंडाई। ये देखिए ठंडाई, देखिए पूरा बॉटल भर के यहाँ पे रखा गया है। और ये देखिए अभी आ रहा है यहाँ से आइस। ये देखिए यहाँ पे पूरा चिल्ड आइस निकाला है। ये देखिए पूरा चिल्ड आइस इसके अंदर डाल दिया गया। ये देखिए भाई ये अभी जा रहा है इसके अंदर बनेगा ये भांग वाला। ये देखिए ये आ गया ठंडाई। ये देखिए भाई कितना क्रीमी और स्मूथ लग रहा है। देखिए ये तो ये जो ठंडाई है आप खुद ही बनाते हैं ये पूरा? इसमें इसके अंदर क्या क्या जाता है? इसमें दूध है, केसर बादाम है। अच्छा। पिस्ते है। अच्छा। सब देकर के घाट करके इसको सीधा करके बनाया जाता है। अच्छा। ये देखिए ये क्या रेडी हो गया? ये नॉर्मल वाला? हाँ, रेडी हो गया। ये नॉर्मल वाला रेडी हो गया। ये वाला मैं ट्राई करने वाला, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो भांग वाला रहता है वो किस तरीके से बनता है। ये देखिए अभी ये लगने वाला है हमारा भांग वाला। ये देखिए ये तो नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल यहाँ पे रेडी हो गया। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा मिक्स किया जाएगा। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए पूरा चिल्ड यहाँ पे नॉर्मल ठंडाई। ये देखिए भाई अच्छे से यहाँ पे जो मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए भाई ये नॉर्मल वाला, ये देखिए मिक्स कर दिया गया। ये देखिए ऊपर से आइसक्रीम तैर रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है नॉर्मल ठंडाई। तो अभी देखिए ये लगने वाला है हमारा भांग वाला, ये ठंडाई। ये देखिए ठंडाई आ गया इसके ऊपर।
तो बड़ा है और माल लोग पीते हैं। अच्छा ये देखिए, ये आ गया इसके ऊपर, और ठंडाई देखिए, बोतल देखिए, कोई अगर चाहे तो ये सिर्फ ठंडाई भी ले सकते हैं ना, ठंडाई भी ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रहता है ये भांग का, यहाँ पे मिश्रण रहता है, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो है रखा गया इसको, यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से आपका आपका कैपेसिटी है उसी हिसाब से यहाँ पे जो है अंकल वो बना के देते हैं। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे भांग, उसी हिसाब से मिलाया हुआ है यहाँ पे। अभी देखिए इसको यहाँ पे जाएगा, मिलाया जाएगा इसके ऊपर, ये देखिए इसके अंदर डाल दिया गया ठंडाई के ऊपर। अभी देखिए ये मिक्सचर है, ये देखिए ये अच्छे से इसके अंदर यहाँ पे अभी मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए भाई अच्छे से यहाँ पे, कितना टाइम लगता है इसको मिक्स होने में पूरा? अच्छा मतलब ये मिनिमम आपका एक मिनट का काम है, एक मिनट में ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। ये देखिए आ गया पूरा यहाँ पे हमारा जो है बड़ा सा ग्लास इसके ऊपर। ये देखिए भाई, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा गाढ़ा तरीके से यहाँ पे बना के रेडी कर दिया गया। ये भांग का मिश्रण यहाँ पे रेडी हो गया, मिक्स किया जाएगा दोनों को। ये देखिए भाई इतना बड़ा सा ग्लास है, अभी देखिए इसके अंदर डाल दिया गया भांग को। ये देखिए भाई ये अच्छे से यहाँ पे अभी मिक्स किया जा रहा है, और अभी देखिए इसके ऊपर डाल दिया गया है। ये मीठा, ये मीठा है, ये क्या मैंगो का है? ये मैंगो का है, मैंगो का सिरप। सो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा, ये नॉर्मल वाला ये है ठंडाई, और ये है भांग वाला ठंडाई। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो है नॉर्मल वाला ठंडाई वो एक बार ट्राई करके बताता हूँ कैसा है, क्योंकि ये वाला तो मैं अभी नहीं पी सकता, तो फिलहाल इसको ट्राई करता हूँ, बताता हूँ ये कैसा है। सो फिलहाल मैं जो है इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये है आपका नॉर्मल वाला ठंडाई, ये देखिए भाई इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, और बहुत ही गाढ़ा लग रहा है। ये देखिए भाई कितना ज्यादा क्वांटिटी में जो है यहाँ पे भांग लगने वाला है, भांग का शरबत। ये देखिए अच्छे से इसको बर्फ डाल दिया गया, बर्फ डाल के देखिए हाथ से इसको अच्छे से यहाँ पे जो है मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए भाई कितना ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर डाला गया था, ये देखिए भाई पूरा आइस देखे इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए भाई कितना गाढ़ा है, ये देखिए पूरा जो है ये भांग का गोली। ये देखिए इसको अच्छे से इसके अंदर से निचोड़ के यहाँ पे देखिए ग्लास में यहाँ पे डाला जा रहा है। ये देखिए भाई कितना यहाँ पे जो है डिमांड है इस भांग का, देखिए ये देखिए भाई भांग के ऊपर भांग यहाँ पे लोग, ये देखिए यहाँ पे जा रहा है गोली। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल होता है, ये देखिए भाई पूरा यहाँ पे रॉ पीना लोग पसंद करते हैं। ये देखिए भाई पूरा रॉ भांग यहाँ पे सेल होता है। तो भाई देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया इनका जो ठंडाई वाला ये वाला शरबत, और ये जो है भांग वाला। भाई देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है, उसके ऊपर देखिए फ्रॉथ, देखिए भाई कितना ज्यादा फ्रॉथ बना है। नॉर्मल जो अगर ठंडाई अगर पीते हैं ये 50 का है, और ये वाला है 70 रुपीज़ का भांग वाला। देखिए भाई कितना गाढ़ा लग रहा है, भाई देखने से ही बहुत खतरनाक लग रहा है। ये देखिए भाई पूरा ग्रीन कलर का, और इसके अंदर जो स्टफ डाला गया था बहुत ही भाई क्वांटिटी में डाला गया था। मैं फिलहाल इसको नहीं पीने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ इसको, इसको पी के आपको बताता हूँ कैसा लगता है नॉर्मल ठंडाई ये वाला। तो ट्राई करता हूँ, देख के बताता हूँ। भाई ये पीने में तो बढ़िया लग रहा है, नॉर्मल ठंडाई का जो है वो टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर देखा आप लोगों ने आइसक्रीम डाला गया था इसके ऊपर, वनीला का, फिर मैंगो का यहाँ पे डाला गया था सिरप, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठंडाई का जो मिल्क है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, उसके अंदर जो बादाम वगैरह सब कुछ डाला गया था, ड्राई फ्रूट, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है भाई पीने में। और ये वाला नहीं, नहीं भाई मैं ये नहीं पीने वाला हूँ, ये लेके जाने वाला हूँ मैं, मेरे हिसाब से मुझे ये पीना नहीं चाहिए। अगर मैं अभी पी लिया मेरा जो पूरा दिन अभी बर्बाद होने वाला है, मैं फिलहाल इसको घर लेके जाऊँगा, किसी और को मैं देने वाला हूँ घर में। मैं तो ये पीता नहीं हूँ, ये कंज्यूम नहीं करता, अगर मैं एक घूट भी पी गया मैं आउट हो जाऊँगा यहाँ पे। मैं फिलहाल ये नहीं पीने वाला, ये कर दे रहा हूँ मैं साइड। ये वाला भाई पी के और एक बार बताता हूँ कैसा। ये देखिए भाई इसके ऊपर देखिए फ्रॉथ, देखिए इसके ऊपर ही बहुत बढ़िया लग रहा है, क्रीम जमा हुआ है पूरा, बहुत ही देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में, और देखिए पूरा येलो कलर का पूरा गाढ़ा है। इसको ट्राई करता हूँ भाई, ये पीने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यम्मी लग रहा है, बहुत ही ठीक टाइप का, इतना एकदम पतला टाइप का कुछ नहीं है, बहुत ही ठीक है, पीने में बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। ये जो 50 रुपये के हिसाब से बढ़िया है, वॉटेड है, और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, 66 ईयर ओल्ड मैंने बता दिया, बहुत ही पुराना शॉप है ये, 3-4 जनरेशन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर कभी भी अगर आप आते हैं कोलकाता में, कोलकाता के अगर आपको मिल जाएगा ये आपका शोभा बाजार, अगर उतरते हैं मेट्रो से, अगर वहाँ से किसी को भी पूछ सकते हैं आपको लोग यहाँ पे भेज देंगे। दुकान का जो प्रॉपर नाम है शिव शक्ति शरबत शॉप, यहाँ पे आइएगा, बहुत ही फेमस है। और भाई होली के टाइम पे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जैम रहता है भाई, यहाँ पे होली के टाइम पे आने को अवॉइड कीजिएगा, उससे पहले अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर से आइएगा, और यहाँ से लेके जाइएगा, स्टॉक करके रख दीजिएगा। होली के टाइम पे यहाँ पे गलती से भी मत आइएगा, बहुत ज़्यादा लाइन रहने वाला है, इसीलिए मैं इस हॉट टाइम पे आया हूँ ये पीने के लिए। फिलहाल मैं ठंडाई पीता हूँ, ठंडाई प्रेफर करता हूँ, मैं भांग वगैरह नहीं पीता हूँ, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने आपको सिंपल जो प्रोसेस रहता है किस तरीके से बनाया जाता है, कितना फेमस है, ये सब आपको दिखा दिया।
ये ट्राई किया, ये बहुत ही बढ़िया है। तो कभी भी अगर आते हैं तो जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। और भी ऐसे सारे फूड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को इस तरीके से फॉलो करना रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी और स्टे फूडी। बाय बाय, एंजॉय द सॉरी ये शरबत ठंडाई नॉट भांग। बाय बाय।